पुष्पा द राइस के बाद अब किस साउथ इंडियन फिल्म को हिंदी दर्शकों के लिए थिएटर में उतारा जा रहा है? क्या बढ़ रही है दक्षिण भारतीय फिल्मों की डिमांड? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, साउथ इंडियन फिल्मों की हिंदी दर्शकों के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता है। बाहुबली फिल्मों की कामयाबी के बाद साउथ के निर्माताओं ने इस बाजार की अहमियत को समझा और पिछले कुछ सालों से साउथ की चर्चित सितारों की फिल्में हिंदी बेल्ट में भी समान रूप से रिलीज की गई। इसी चलन में अब तमाम पिछले कुछ वक्त से पैन इंडिया फिल्में आ रही हैं, यानी कि जो साउथ में बनती है उन्हें हिंदी में भी रिलीज किया जा रहा है। दिसंबर में आई अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा पार्ट वन द राइज की हिंदी क्षेत्रों में ताजा कामयाबी ने इस धारणा को और ज्यादा मजबूती दी और अब हिंदी भाषी इलाकों में भी इनको प्राथमिकता दी जा रही है। इस सिलसिले की अगली कड़ी है तमिल फिल्म वलीमे द पावर, जिसमें तमिल के सुपरस्टार अजित कुमार नजर आने वाले हैं। जनवरी को वलीमे का हिंदी ट्रेलर भी आपके सामने आ जाएगा। उससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को फिल्म का स्पेशल पोस्टर जारी किया गया, जिस पर फिल्म का टाइटल देवनागरी में भी लिखा गया है, जो हिंदी दर्शक को जोड़ने के लिए सराहनीय कोशिश है। अर्जुन कपूर ने भी एक पोस्टर शेयर किया है। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है वलीमे का? आपको कितनी पसंद आती है साउथ इंडियन फिल्में? नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।